मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हिप्नोटिज्म और हिप्नोसिस के बारे में यदि हमको अभी बातचीत करना है या समझ लेना है तो उसके लिए हमको पहले हमारा मन कैसा है, वो कैसा बना हुआ है, उसके बारे में समझ लेना जरूरी है। उसकी समझ हमको जरूरी इसलिए है कि वो यदि हमारा फाउंडेशन पक्का है तो फिर सम्मोहन समझना बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारा मन जो है तो ये हाइपोथेटिकली दो इसमें डिवाइड किया गया है, एक है बाह्य मन, एक है अंतर मन। बाह्य मन जो है मतलब मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूं, बोल रहा हूं, खाना खा रहा हूं, ये जो कर रहा हूं मैं कॉन्शियसली जो भी कर रहा हूं, जो जानबूझ के कर रहा हूं, दिमाग वहां लगा के कर रहा हूं, एक्टिवली कर रहा हूं, तो वो है कॉन्शियस माइंड और वहां से मैं कर रहा हूं, तो वो है 1 दशमलव मतलब 10%। और दूसरा जो है पार्ट मन का वो है अंतर मन या सबकॉन्शियस माइंड, वो है 9 दशमलव मतलब 90%। और अंतर मन में अभी तक का जो भी है ज्ञान, अपना बिहेवियर, जो भी नॉलेज, सभी सभी पूरा अपना स्टोर हाउस है अंतर मन, और वहां वो स्टोर किया गया है। मतलब बचपन से अभी तक, पैदा हुए तब से अभी तक जो भी आपको मालूम है, जो भी आपने किया हुआ है, जो भी आपने अनुभव किया हुआ है, जो भी आपको ज्ञान है, सभी बातें अंतर्मन में स्टोर की गई है और वो 90% है। अपना पूरा कंट्रोल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से होते रहता है। जो बिहेवियर हम करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है, यदि हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं तो। कॉन्शियसली कर रहे हैं तो फिर कॉन्शियस माइंड वो ऑर्डर देंगे सबकॉन्शियस माइंड को और वैसा कर लेगा सबकॉन्शियस माइंड। अभी उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझ आएगा। कि देखो अभी मैं बैठा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे रसगुल्ले खाने का है और रसगुल्ले खाने की इच्छा हो रही है और मुझे लगता है कि मैंने रसगुल्ले खाना चाहिए। अभी रसगुल्ले खाना चाहिए ये कहां से आया थॉट सडनली? तो ये अंतर मन से आया, सबकॉन्शियस माइंड से थॉट आया। फिर अभी सबकॉन्शियस माइंड से जब थॉट आया रसगुल्ले खाने का है, तो फिर ये कॉन्शियस माइंड जो है वो देखता है कि भाई ये पॉसिबल है क्या रियलिटी में। अंदर से विचार तो आ गया कि रसगुल्ले खाना है, तो वो कॉन्शियस माइंड देखेगा कि ये संभव है क्या रसगुल्ले खाना, रसगुल्ले मिल सकते हैं क्या, पेट ठीक है कि नहीं है। मतलब वो सब रियलिटी टेस्ट करेगा और वो रियलिटी टेस्ट करके फिर कॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा कि भाई रसगुल्ले खरीदना है, उसके लिए फिर ऑर्डर देगा अपने बॉडी को और वहां से खरीद के फिर हम खाना रसगुल्ले का खाएंगे। तो कॉन्शियस माइंड का क्या काम है? रियलिटी टेस्ट करना, रियलिटी में क्या है, बाहर क्या है, वास्तव में क्या है। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? डिमांड करते जाना, ऑटोमेटिसिटी है, नेचुरली जो बाहर आता है फटाक से वो है, रिफ्लेक्सेस है। सबकॉन्शियस माइंड का वो काम है, मतलब वो बहुत पावरफुल है और उसको सरासर विचार करने की बुद्धि ऐसी नहीं है। एक बार अंदर जाके बैठ गया हो सबकॉन्शियस माइंड के कि वहां से एक्शन शुरू हो जाती है। उसको ये समझता नहीं है कि रसगुल्ले अभी मिल सकते क्या, अभी रात को 11 बजे है, अभी दुकान कोई खुली है क्या, अभी नहीं मिल सकते हो, नहीं 11 बजे भी विचार आ सकता है कि मुझे रसगुल्ले होना। तो कॉन्शियस माइंड का काम है कि रियलिटी टेस्ट करना, सबकॉन्शियस माइंड जो है अंतर मन जो उसका काम है कि डिमांड करते जाना, और एक बार डिमांड कर लिया फिर वो देखेगा कॉन्शियस माइंड जमता कि नहीं जमता। अभी इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और एक समझ में आएगा कॉन्शियस सबकॉन्शियस का। समझो आप रस्ते पे से जा रहे हैं, आपको एक व्यक्ति परिचित दिखता है और आपको उसका नाम याद नहीं आता, बोलते कौन है ये, कौन है, कौन है, आप बेचैन होते हो, उसको हाय हेलो कर देते मगर उसको समझ में नहीं आता अपने को कि उसका नाम क्या है, ये कभी तो भी मिला हुआ है, और वहाँ वो बेचैन होते रहते हैं, वो निकल जाता है, आप निकल जाते, आप मार्केट जाते, वापस भी आते मगर आपके दिमाग में वो चालू रहता है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। तो कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को वो सवाल डाल के रख दिया है अंदर कि भाई वो कौन है, और उसका वो सब मेमोरीज जो है, वो सब मेमोरी बैग जो है अंदर, मेमोरी बैंक या मेमोरी की बैग्स, वो सब निकाल के देख रहा है सबकॉन्शियस माइंड कि भाई वो व्यक्ति कौन था जो मिला था सवेरे। और फिर हो सकता है कि आप घर में आने के बाद में खाना खाने के समय या स्नान करने के समय कभी भी फटाक से आपको वो नाम याद आते, अरे वो तो वो व्यक्ति है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्शियस माइंड को याद नहीं था, सबकॉन्शियस माइंड के पास में था वो ज्ञान, वो स्टोर हाउस है, वहां से उसको, अब वहां से आपको उसका नाम मिल गया। तो सबकॉन्शियस माइंड में
पूरा ज्ञान है, स्टोर हाउस है, ताकत है, एनर्जी है, और वो 90% है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि घोड़सवार और घोड़ा, घोड़ा जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास में 90% ताकत है ना, हॉर्स पावर। और घोड़सवार जो है वो कॉन्शियस माइंड है, जो घोड़े के ऊपर सवार है, उसके पास में 10% ही ताकत है, मगर उसके पास में दिमाग है, एक्टिव थिंकिंग, और एक्टिव थिंकिंग करके वो सबकॉन्शियस माइंड को बराबर लाइन पे रख सकता है। अभी देखो सबकॉन्शियस माइंड का वापर कहां होता रहता है। आपको यदि बताया कि भाई ये पढ़ाई करो, ये किताब आपको दिया, आप पढ़ रहे हैं, तो आधे घंटे बाद में या 20-30 मिनट के बाद में आपको बोर हो जाएगा, बोलेंगे नहीं बहुत हो गया, मेरे को ब्रेक चाहिए। 30 मिनट के बाद में आदमी बैठ नहीं सकता और वो ज्यादा किताब नहीं पढ़ सकता है। मगर वही आपका एक फेवरेट एक आधा पिक्चर हो तो आप 2-2.5 घंटे बैठते बिना ब्रेक होते हुए। यदि आपका कोई फेवरेट गेम है, स्पोर्ट्स है, समझो क्रिकेट है, और वहां बैठे रहते हैं पूरा कंप्लीट देखते हैं, और 4-5 घंटे कैसे कि आपको मालूम नहीं पड़ते, आप घड़ी भी देखते नहीं है, स्पेशली आखिरी के 10 बॉल 60 रन है ना, ऐसी स्थिति है, आखिरी के 10 ओवर और 60 रन है, और ऐसी स्थिति है उसमें फिर क्या होगा क्या नहीं, टेंशन है, और आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि टाइम कैसा गया, ये क्या है। तो ये ऑटोमेटिसिटी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एट प्ले है, वहां कॉन्शियस माइंड है नहीं, ऑटोमेटिकली हम वहां बैठे, ऑटोमेटिकली सब चल रहा है, और वो कहां से आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। तो फिर अभी यदि पढ़ाई हम सिर्फ आधा घंटा कर सकते हैं, और पिक्चर जो है मूवी हम 2-2.5 घंटा देखेंगे, या क्रिकेट की मैच हम 3-4 घंटे देखेंगे, तो फिर पढ़ाई भी समझो हम ये अवस्था में करते हैं, तो कि जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके काम करने की अवस्था, शायद वो जब क्रिकेट की मैच चालू थी या मूवी चालू था तब आप पूरे हिप्नोटाइज्ड थे, सेल्फ हिप्नोटाइज्ड, ऑटोमेटिक हिप्नोटाइज्ड आप हुए थे, वहां आपको टाइम मालूम ही नहीं पड़ा कि टाइम कितना गया। अभी आप उस तरह का सेल्फ हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिक ट्रांस या हिप्नोटिक स्टेट पढ़ाई के समय लाते हैं तो कितनी पढ़ाई जबरदस्त हो जाएगी, या जो भी आपको काम करना है उसमें आप सेल्फ हिप्नोटाइज होते हो तो वो काम कितना अच्छे क्वालिटी का हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि सम्मोहन का वापर करके जो भी हमको काम करना है उसमें सम्मोहन का उपयोग करके वो काम करना, तो वो क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, लंबे समय तक हम काम कर सकेंगे और हमारी तरक्की हो जाएगी। तो ये है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के प्रकार और उसकी जानकारी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।